हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। तो गाइस, आज की वीडियो में हम सीसीएस यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट देख लेते हैं। और सीसीएस यूनिवर्सिटी ने जो 9 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उससे रिलेटेड कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उनको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को फुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर लेना जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो चलेगा इस फिर आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गाइज, ये आप सभी के एग्जाम के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये वन बाय वन बता देती हूँ कि इनमें क्या बताया गया है। और देखिए, पहला जो पॉइंट है उसमें ये बताया गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन में जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सेम होगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। दूसरे पॉइंट में ये बताया गया है कि आप लोगों का जो प्रश्न पत्र है वो सब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। और आप लोगों को केवल टाइप कर ही अपना आंसर देना है हिंदी या इंग्लिश में। टाइपिंग से अलावा अगर आपने कुछ और माध्यम उत्तर लिखने का चूज किया तो वो माननीय नहीं होगा, उसकी अनुमति आपको नहीं दी जाएगी। उसके बाद फोर्थ पॉइंट कहता है कि BLLB LLB पाठ्यक्रमों के यानी कि क्वेश्चन पेपर के 3 खंड हैं, जिसमें से पहले खंड में अति लघु क्वेश्चन होंगे और वो आपको 2 करने हैं, द्वितीय में लघु होंगे वो आपको 1 करना है, और विस्तृत में तीसरे में विस्तृत क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने अनिवार्य है। ठीक है, ये BLLB और LLB के लिए था। अब LLM के लिए बता देते हैं। LLM के लिए टोटल आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से आपको 2 ही क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद 6 नंबर वाला पॉइंट ये कहता है कि ऑनलाइन परीक्षा में लॉगिन करने के बाद जो आपको दिशा निर्देश मिलेंगे उन्हें ध्यान से पढ़िएगा। नंबर 7 का पॉइंट ये कहता है कि ऑनलाइन एग्जाम विंडो में छात्रों को संपूर्ण पेपर दिखाई देगा, आप उसको स्क्रॉल कर आगे पीछे कर देख सकते हैं। नंबर 8 ये कहता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं लेकिन उनको किसी एक सब्जेक्ट कोड का ही पेपर देना है। तो यहाँ पर ये बताया गया कि जो आपने परीक्षा फॉर्म में अपना सब्जेक्ट कोड फिल किया है उसी प्रश्न पत्र का चुनाव कर आपको उत्तर लिखना है। अगर आपने परीक्षा फॉर्म में कुछ और किया है और प्रश्न पत्र में कोई और प्रश्न पत्र हल कर दिया है तो फिर ऐसे में आपकी जो परीक्षा है ना वो रद्द मानी जाएगी, उसको माननीय नहीं समझा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो प्रश्न पत्र कोड आपने परीक्षा फॉर्म में फिल किया है, जो आप लोगों के प्रवेश पत्र में परीक्षा कोड लिखकर आया है, उसी का पेपर आपको हल करना है। नेक्स्ट नंबर 10 वाला जो पॉइंट है वो ये कहता है कि छात्रों को टाइपिंग विंडो में ही टाइप करना है। नंबर 11 का पॉइंट यह कहता है कि एक उत्तर लिखने के बाद पैराग्राफ बदलकर अपना नया उत्तर लिखना शुरू करें। ठीक है, नंबर 12 का पॉइंट ये कहता है कि हर उत्तर के पहले क्वेश्चन संख्या डालना बहुत जरूरी है। तो जब भी आप उत्तर लिखें तो उसके ऊपर अपनी क्वेश्चन संख्या बीच में जरूर डाल दें। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला पॉइंट यानी कि 13 पॉइंट ये कहता है कि टाइपिंग विंडो में छात्र को फॉन्ट साइज, बोल्डनेस, ये सारी चीजें करने की सुविधा है, आप सब ये सारी चीजें खुद से कर सकते हैं। नंबर 14 का जो पॉइंट है वो ये कहता है कि हिंदी में जो बच्चे अपना उत्तर टाइप करेंगे उनको पहले ये वाला जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल है हिंदी की टाइपिंग के लिए उसको डाउनलोड कर लेना है अपने फोन में, और उसके बाद वो आसानी से अपना आंसर हिंदी में टाइप कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वो 15 पॉइंट ये कहता है कि जब आपका क्वेश्चन पेपर फिनिश हो जाएगा, आप अपना सारा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर लोगे तो एंड टेस्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर नंबर 16 का पॉइंट ये कहता है कि अगर किसी बच्चे ने समय खत्म होने तक एंड टेस्ट को क्लिक नहीं किया तो वो पेपर अपने आप सबमिट हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा समय का भी। जैसे जैसे समय खत्म होगा तो आप अपना पेपर खुद से वाइंड अप करके खुद से सबमिट कर दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप टाइम का ध्यान नहीं देंगे तो पेपर टाइम फिनिश होने पर खुद ही सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और 17 पॉइंट ये कह रहा है कि मतलब 30/7/2021 को जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे अनुचित साधन वाले, मतलब चीटिंग वाले, वो सारे भी आपको खुद से पालन इसी टाइम पर भी करना है। ठीक है, तो गाइज यही कुछ आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड दिशा निर्देश थे जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको ये यहाँ से काफ़ी कुछ क्लियर भी हुआ होगा कि आपको अपना एग्जाम कैसे करना है, क्या ध्यान में रखना है। गाइज ये वाला नोटिस पीजी से रिलेटेड है। देखिए, मैंने कल भी बताया था कि आज यानी कि 1 तारीख को पीजी की पहली ओपन मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, और आप सभी स्टूडेंट के पास आज और कल का टाइम है, 1 और 2 तारीख का टाइम है अपने कॉलेज में अपने ऑफर लेटर को सबमिट करने का। ठीक है, आप अपनी लॉगिन आईडी से अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करें, उसमें अपना मतलब कॉलेज का नाम और अपने कोर्स का नाम लिख कर उसे 1 और 2 तारीख के अंदर अंदर अपने उस कॉलेज में सबमिट करा दें जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद आपको इस ऑफर लेटर को सबमिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा।
फिर देखिए आप लोगों की फर्स्ट ओपन मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, उसके आधार पर एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को 9 तारीख तक का टाइम मिलेगा, और 9 तारीख तक, 9 तारीख के बाद आप लोगों का कोई भी एडमिशन ओपन मेरिट लिस्ट के आधार पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीसीएस यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को साफ साफ बोला है कि 9 तारीख तक पहली ओपन मेरिट लिस्ट के आधार पर जो भी प्रवेश लिए गए हैं उनको कन्फर्म करना अनिवार्य है, और उसके बाद शायद फिर आपकी सेकेंड ओपन मेरिट लिस्ट आएगी, ये शायद है, कन्फर्म नहीं है। ठीक।